Guys, hello and welcome to yet another video of fashion and food diaries. तो मैं ये व्लॉग रात के 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये व्लॉग ऐसे कोई फालतू सा व्लॉग नहीं होने वाला है. सो येस, वी आर वंस अगेन गोइंग फॉर अ ट्रिप. एंड इस बार हम कहाँ जा रहे हैं वो एक सीक्रेट होने वाला है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं वहां जाकर आपको साक्षात दर्शन कराने वाली हूँ. तो आप ट्यून रहो इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. तो अभी फिलहाल की अपडेट ये है कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पैकिंग, और काफी ज्यादा रायता फैलने वाला है आई नो. एंड 12 बजे इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हम प्रॉपर ऑफिस गए थे, ऑफिस के बाद आई टेक ट्यूशन तो मैं उसकी लगाई थी, देन वी हैड डिनर एंड एवरीथिंग. एंड क्योंकि वी आर अराउंड 7 पीपल जो कि साथ में जा रहे हैं, तो सब घर पे है, काफी ज्यादा मौज मस्ती चलती है, गॉसिप चलती है, तो टाइम निकल जाता है. सो फाइनली हमें टाइम मिला है पैकिंग करने का, तो चलो साथ साथ में पैकिंग करते हैं, कुछ कपड़े निकालते हैं, देखते हैं क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्या क्या लेकर जाना है. एंड ये तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी ठंडी होगी, अभी नवंबर का महीना है एंड दिल्ली गुड़गांव में भी वेदर थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होगी, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग पैकिंग करेंगे. सो स्टे ट्यून इन द वीडियो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. गाइस, प्लान तो पैकिंग का ही था, बट तब से यार टाइमर बात कर रही है, अभी भी लगी हुई है फ़ोन पर, देख लो. अब प्रॉब्लम ये है कि इसके और मेरे कपड़े कॉमन है. अभी मैंने एक स्वेटर डिसाइड किया था, एंड द मोमेंट आई स्पोक कि मेरे को वही स्वेटर पहनना है, मेरे को वही पहनना है, नहीं इसको भी याद आ गया, इसको पहले याद नहीं था. मेरा ही स्वेटर मैं खरीदी है. बट उसे क्या मेरा है वो नहीं, बट इसको याद नहीं था कि वो ऐसा कोई स्वेटर एग्जिस्ट करता है. बट क्योंकि अब मेरे को पहना था, तो इसको तो पहनना ही है. अब मैं जो जो कपड़े निकालूंगी ना, इसको सब पहनना होगा, तो मैं इसको ही दे दूंगी भाई कि तुम्हें पहनो, मैं तो बिना पहने चली जाऊंगी. मैं ऐसे ही ठीक हूँ भाई, तुम ही सारे पहन लेना. बट प्लीज प्लीज गाइज, आप कॉमेंट करो इनको कि छोटी बहन को बुली ना करे प्लीज. माई गॉड, कैमरा ऑफ होने के बाद ये पूरे घर को बुली करती है. सो गाइज, हमने सारे कपड़े निकाल लिए हैं एंड वी आर बैक विथ आर ओजी ट्रॉली. ये हमेशा हर ट्रिप में हमारे साथ रहता है, जितना भरोसा हमें हमारी किस्मत पर नहीं है, उससे ज़्यादा हमें इस ट्रॉली पर है. तो इसलिए हम हर जगह यही ट्रॉली लेकर जाते हैं और फिर से यही लेकर जाएंगे. एंड जैसे ही रेडी हो जाएगी, पैक होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मैं छोटी बहन हूँ और ये बड़ी बहन का फ़र्ज निभा कर सब कुछ पैक करेगी. प्लीज़ जल्दी लग जाओ यार काम पर. फोन बंद करो गाइज, शी इज़ नॉट ब्लॉग फ्रेंडली. कब से सुबह से हमें सारा काम कर रहे हैं. क्या काम किया यार तुम? सारा कपड़ा मैं से धुलवाई के दी थी, धोने को 3 दिन से कपड़ा ही धोया. तो हम तो तुमको बोल ही नहीं थे कपड़ा धोने के लिए. आज भी गई इस कपड़ा लॉन्ड्री में गया है 5 किलो. आज भी गई इस, क्योंकि इसने लेट कर दिया बहुत. आखिरकार इसने मुझे ये स्वेटर नहीं दिया, कोई बात नहीं, बस बस इस ट्रिप की ही बात है, उसके बाद मैं ये स्वेटर पहन कर जाऊंगी ऑफिस. यार अगली बार तुम बोला कोई कपड़ा पहनने के लिए मेरा, फिर हम बताते हैं. तुम भी धोनी लेके आई हो, तुम तो पहनोगे. पहनो कौन सा धोनी हूँ? तुम ब्लॉक तो को बोले थे. फिर देख रही हो ब्लॉक करने खड़ी हो गई है. काम तुम करोगे यार, हर बार तुम पैक नहीं करती हो. अभी नहीं करेंगे, मैं शादी हो गया. अभी बहुत टाइम है तुम्हारी शादी होने में, तब तक अपना कमो वाला फर्श दे. अच्छा वाह यार, मेरा तितली अवर. हम नहीं लेकर जा रही है वाला, क्यों पैक कर रही हो? हम ये नहीं पहनेंगे. यही तो कार में पेट हर बार घूमती है यार. रुचि हम ये वाला कभी नहीं यूज करते. प्लीज जस्ट रिमूव इट. ये हम नहीं पहनेंगे, ये वाला, ये ब्लैक वाला. ये राम खुद ब्लू ली थी, ब्लैक मेरा था. ब्लू देने लगी शुरू से, रुचि ब्लैक मेरा था, तुम ब्लू ली थी. तो गाइस, काफी मेहनत और बहसबाजी के बाद हमारा फाइनली जो है पैकिंग ऑलमोस्ट ही हुआ है. पूरा तो नहीं हो पाया है बिकॉज हमारे आधे कपड़े तो अभी लॉन्ड्री में है. अभी हमने 50% ही पैकिंग करी है, तो और उसी में हमारा ट्रॉली जो है ऑलमोस्ट फिल हो चुका है. पर अब ज्यादा कुछ बचा भी नहीं, बिकॉज इतना कुछ फैंसी पैकिंग नहीं करना है विंटर्स में वैसे भी, तो ठीक है. मतलब जहाँ हम जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमने सही कपड़े रख लिए हैं, एंड बाकी पैकिंग कल हो जाएगी. तो अभी का आप देख लो, अभी हमने कैसे कैसे पैकिंग करी है. और क्योंकि मतलब हमने सपने एक परफेक्ट अपने लिए एक कॉमन ट्रॉली रखी है मैंने और मेरी दीदी ने, और उसके अलावा हमने अपना पीठ वाला बैग भी रखा है जिसमें अपने पर्सनल स्टफ्स, कुछ अपने पर्सनल कपड़े वगैरह रखेंगे. बाकी तो सब ठीक है.
तो अभी मैं आपको ट्रॉली दिखाती हूँ कि हमने कितना कुछ पैक कर लिया और कितना कुछ और कल पैक होगा, क्योंकि ऑब्वियसली चाहे आप कितना भी प्री प्लान कर लो, जिस दिन जाना होता है उस दिन का रश अलग होता है, उस दिन बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पैक करनी होती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी का सिचुएशन क्या है फिलहाल। सो वी आर लिटरली गोइंग फॉर अ 2-night 3-day ट्रिप एंड उसमें हम इतना कुछ लेकर जा रहे हैं एंड दिस इज जस्ट द 50% ऑफ द क्लोथ विच वी आर टेकिंग। अभी और 50% जो वो ऑलरेडी अभी लॉन्ड्री में है जो कि कल हमें मिलेगा आफ्टरनून तक, तो बाकी हम कल पैक करेंगे। एंड बस आज के लिए तो इतना ही है और कुछ खास है नहीं दिखाने को। तो कल भी अभी हम रेडी होंगे, जाएंगे, वो सब मैं शूट करने की कोशिश करूंगी एंड आई विल शो इट टू यू गाइस। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी हमने आपको पैकिंग के जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स थे वो सारे दिखा दिए जितना पॉसिबल था एंड आई गेस ये वीडियो ऑलरेडी 4-5 minutes लंबी बन चुकी है, तो इससे ज्यादा लंबी वीडियो व्लॉग मैं अभी पोस्ट नहीं करना चाहती बिकॉज कोई देखता ही नहीं है, तो इसलिए इतना आई गेस काफ़ी है फॉर दिस। एंड कल नए दिन के साथ हम नया नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे एंड काफ़ी सारा मस्ती होने वाला है बिकॉज वी आर अराउंड 7 people, तो हम बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग कर सकूँ। लास्ट जो मेरा व्लॉग था चक्राता ट्रिप का वो इतना अच्छा हो नहीं पाया था बिकॉज मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की थी, आई ओनली फोकस्ड ऑन एंजॉयिंग, बट दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय करो। तो वीडियो ये जो पूरा सीरीज है इसमें बने रहो, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, आई गारंटी यू दैट। बाय बाय।